चलिए शुरुआत कर देते हैं। देखिए, हमने कहा प्रेजेंट इंडिफिनिट को कैसे पहचानते हैं भाई, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को अंग्रेजी में पहचानने वी वन होना चाहिए, तो ठीक है, और हिंदी के अंत में क्या होना चाहिए, ये वाला परफेक्ट नहीं है हिंदी वाला, पूछे क्यों, बहुत सारा सेंटेंस ऐसा मिलेगा जिसमें ता है, ती है, ते है, लेकिन वो प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं होता है, ठीक है, और बहुत सारा सेंटेंस हिंदी में ऐसा मिलेगा जिसमें ता है, ती है, ते है नहीं रहेगा, फिर भी वो प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा, ठीक है, इसलिए हिंदी वाला परफेक्ट नहीं है, लेकिन इंग्लिश वाला एकदम परफेक्ट है कि अगर भी वन या भी फाइव है तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता है, और अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो भी वन या भी फाइव ही होना है, कोई और वर्ब होगा ही नहीं किसी कीमत पर, भले से हिंदी में ताहे ती है आए चाहे ना, इससे मतलब नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो चलिए अब हम लोग, सवाल ये पैदा होता है कि हम कहां भी फाइव यूज करते हैं और कहां भी वन यूज करते हैं, राइट है, तो ये भी वन या भी फाइव डिसाइड होता है सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, सब्जेक्ट में यदि वन पर्सन है, वन है, वन पर्सन है, वन पर्सन, हम कोई भी सिंगुलर प्लुरल थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन कुछ नहीं करेंगे, वन पर्सन मतलब वन मैन, ऐसे कर दो सीधा सीधा, वन पर्सन मतलब वन मैन, वन मैन, वन वुमेन, ठीक है, या वन बॉय, वन गर्ल, या वन थिंग, कोई भी क्या है, वन थिंग है, मतलब संख्या उसकी कितनी है, एक है मेरी जान, तो फिर उसके साथ क्या यूज करोगे, एकदम पक्का जान लो कि उसके साथ सिर्फ और सिर्फ भी फाइव यूज होगा, बात समझ में आ रही है, और अगर संख्या मोर देन वन हो जाए, संख्या कितना हो जाए, मोर देन वन हो जाए, अब पर्सन क्या है, थर्ड है, सेकंड है, इसको मत सोचो, याद रखना मेरे पढ़ाई में ही है कि ग्रामर का नियम कम पढ़ाई होगा और ग्रामर ज्यादा पढ़ाई होगा, शब्द आपको ग्रामर का नहीं बोलेंगे, पूछे क्यों नहीं बोलते हैं सर, क्योंकि उसको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, अब हम अगर वन बोलते हैं तो वन तो कोई भी कम से कम पढ़ा लिखा आदमी भी समझ जाएगा कि वन मतलब एक, तो एक आदमी है, एक औरत है, एक लड़का, एक लड़की, एक कोई भी चीज है, तो उसके साथ क्या यूज करोगे, भी फाइव, और मोर देन वन हो गया, मोर देन वन मतलब एक हुआ कि एक से ज्यादा हो गया, एक से ज्यादा, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, जिनको हिंदी समझ में आए उनके लिए हिंदी, जिनको इंग्लिश समझ में आए उनके लिए इंग्लिश, एक से अधिक हो गया तब उसके साथ क्या यूज करोगे, भी वन यूज करोगे, और आई जो है एक्सेप्शन है, इसके साथ हमेशा भी वन होता है, ठीक है, आई अपने मन का है, मैं तो हमेशा अपने मन का ही रहता है, मैं कभी किसी का बात सुना है क्या, नहीं, तो आई के साथ हमेशा भी वन रहता है, करके दिखाएं क्या, करके दिखाएं क्या, अरे करके दिखाएं क्या, बोलो हाँ ना बोलो ना, हाँ ना बोलो ना, हाँ नहीं बोला, हाँ ना बोलो, हाँ जी, अब देखो मजा आ गया, देखो एक सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है, अच्छा, यू भी जो है बड़ा जिद्दी टाइप है, यू भी रहता है तो कहता है कि भी वन ही होगा, बाकी के लिए कोई मर्सी नहीं है, ये दोनों हमेशा अपने हिसाब से चल रहा होता है, चलने दे दोनों को, क्या करोगे, हर घर में एक दो बिगड़ा लड़का रहता है जो अपनी मर्जी से कर रहा होता है, किसी की बात नहीं सुनता, तुम्हारे घर में भी एक आदगो होगा, हो सकता है तुम ही हो, तुम्हारे घर में भी कोई होगा, हो सकता है तुम ही हो, तुम्हारे घर में भी कोई होगा, हो सकता है वो बिगड़ा तुम ही हो, तुम किसी का बात नहीं मानते होगे, वो तो एकदम खुश हो रही है ऐसे जैसे कि कितना बड़ा उसको अवार्ड मिल गया है बिगड़ा का देखो यार, तो आई और यू जो है उसी तरह का बिगड़ा लड़का है जो किसी का बात नहीं मानता, हमेशा अपने साथ क्या लेता है, भी वन लेता है, तो कुछ एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं और खाली स्थान देंगे, ब्लैंक्स देंगे, और ब्लैंक्स के साथ दो ऑप्शंस देंगे, आपको चुनना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोलिए हाँ कि ना, अरे वाह क्या बात है, अरे वाह क्या बात है, तो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, ठीक है, हम लिख रहे हैं राम डॉट 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 फुल स्टॉप, और हम दे रहे हैं प्ले, और दे रहे हैं प्लेज, ठीक है, आपको खाली ये कमांड करवा रहे हैं कि कहां भी वन होगा और कहां भी फाइव होगा, दे और ना, बोलते हैं राम एंड, नहीं श्याम नहीं बोलेंगे, मेरा मर्जी है, हा? क्या है,
सीता डॉट 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 डॉट, ठीक है, और हमने दिया सिंह और हमने दे दिया सिंह्स, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, हाँ अच्छा, फिर हम देते हैं द स्टूडेंट क्या मजा ला दिए, क्या मजा ला दिए, द स्टूडेंट डॉट 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 इंग्लिश, और खाली स्थान के लिए भी हम कुछ देंगे, कुछ देंगे, आपको लेना है तो लीजिए, लर्न दे रहे हैं और लर्न्स दे रहे हैं, आपकी मर्जी है कि आप क्या लेंगे। अच्छा फिर हम यहां पर एक और मामला कर रहे हैं, कर दें, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स डॉट 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 इंग्लिश, कॉनलिश इंग्लिश, अब बताइए हमने दिया लर्न और दे दिया लर्न्स, है ना, और हम एक और दे रहे हैं, एकदम संभाल लेना, ही एंड शी, ही एंड शी, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ठीक है, मूवी, ए मूवी, ठीक है, एवरी संडे, एवरी संडे, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, हमने ऑप्शन दिया वॉच, हमने ऑप्शन दिया वॉच, और दूसरा हमने ऑप्शन दिया वॉचेस, फटाफट हम आपको 3, 5, 15 सेकेंड, 15 seconds आई एम गिविंग ऑल ऑफ यू, टेल मी द आंसर, ओके, 15 seconds में आंसर बताना है, 15 seconds में बताना है आंसर, 15 seconds में आंसर बताना है, बता दो तब हम जान जाए, आज बता दो तब हम जान जाए, आज तुम हमको बता दो तो हम जान जाए, राम प्लीज, अच्छा जी, पहला में प्लीज आप बोलोगे, मतलब आपकी इतनी हिम्मत हो गई कि आप बोल दिए, वाह वाह क्या बात है, दूसरा में बोलो, हाँ जी, आपकी इतनी हिम्मत हो गई कि आपने सिंह भी बोल दिया, तीसरा में बता दो मेरी जान, हाँ जी, पहला की दूसरा ऑप्शन, इसमें कुश्ती हो गया क्लास में, कुछ बच्चे इसमें लर्न बोल रहे हैं, कुछ इसमें लर्न्स बोल रहे हैं, ठीक है, चलो कुश्ती वाले को हमने मार्क कर दिया, फोर्थ, हाँ पक्का दूसरा, अच्छा जी, चौथा में बताओ, ये वाला होगा, चलो बाबा क्या बात है, और फिफ्थ में बता दो, पहला कि दूसरा, watch, watch. ना ना, तो इसका मतलब है कि अब आपको कभी भी V1 और V5 में जिंदगी भर गलती नहीं होने जा रहा, बोलो हाँ कि ना, ऑनलाइन में सारे बच्चे बोलो हाँ कि ना, ठीक है, अब ये क्या आपको ये इतना याद रखना जरूरी है क्या, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, छोड़ो महाराज क्या करते हो यार, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है पर्सन और कुछ भी देखने का, सीधा नंबर देख लो कि एक है V5, एक से ज्यादा है तो V1, राइट है, और स्पेशल बात हमने किसके किसके लिए बोल दिया, आई और यू के लिए, आगे बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए, अब बात क्या होती है सुनो, अब बात क्या होती है सुनो, सुनोगे कि नहीं सुनोगे, आज सुन लो, आज आज हो जाए, आज हो जाए, अब प्रेजेंट इंडिफिनिट तुमने नाम तो देख लिया और प्रेजेंट इंडिफिनिट का एक बेसिक तुमको ये भी पता चला, अब सेंटेंस अगर तुम्हारा प्रेजेंट इंडिफिनिट में ना वाला हो जाए, नहीं हो सकता है, हाँ जैसे मैं अंग्रेजी सिखाता हूं लेकिन मैं उर्दू नहीं सिखाता हूं, प्रेजेंट इंडिफिनिट हम किसका बात कर रहे हैं, नेगेटिव का बात कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का पहचान क्या है, नहीं लगा रहेगा, राइट क्या लगा रहेगा, नहीं रहेगा, तो इसको अंग्रेजी में कैसे करेंगे, तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि नहीं के लिए क्या लगाना पड़ेगा, नॉट, और जब नॉट लगेगा ना तो डू या डज आ जाएगा, डू या क्या आ जाएगा, डज, दोनों में से कोई एक जरूर आ जाएगा, अब कौन आएगा वो बाद में देखेंगे, और जब डू या डज आ गया तो यहां पर V1 और V5 दो था ना, हाँ तो याद रखना कि जब या तो डू आ जाए या डज आ जाए, तो इसका V1 के साथ तो बड़ा अच्छा पड़ता है, V5 के साथ नहीं पड़ता है, अब बोलिए कि सर डू होगा कि डज होगा, तो ये डिसाइड कौन करेगा, सब्जेक्ट करेगा, बात समझ में आ रही है, ये डिसीजन कौन लेगा, सब्जेक्ट, फिर से हम यहां पर बोलेंगे कि अगर सब्जेक्ट के रूप में कोई वन है तब क्या होगा, और मोर देन वन है
वाह वाह क्या बात है, मोर देन वन है तब क्या होगा, डू होगा, ठीक है। हाँ कुछ लोग ऐसा करते हैं कि डू या डज को इतना ज्यादा करीब ला देते हैं कि वे दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते हैं, और तब वो क्या बन जाते हैं, डोंट या क्या बन जाते हैं, डजंट, कोई फर्क नहीं है, अलग अलग लिखो चाहे एक साथ लिख दो मिला के, बोलो हाँ कि ना। तो आज इसमें भी हो जाए, आज इसमें भी हो जाए, आज आज हो ये जाए आज, राइट है। हाँ कौन जा रहे हैं बीच में से छोड़ के या दिल मेरा तोड़ के, हाँ हाँ मेरा शकल इतना खराब हो गया क्या बच्चों, देख के बताओ तो मेरा शकल इतना खराब हो गया है क्या, अच्छा इतना हेजिटेशन हो रहा है बताने में, इसका मतलब खराब हो गया, अच्छा ठीक है मंडे को शेविंग करके एकदम चकाचक ना। देखो आगे बहुत मजेदार सेंटेंस हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसमें भी हम आपको बता दें कि अपने मन का जिद्दी आदमी कौन था, आई और you. तो यहां भी वो अपना जिद कायम रखता है, कहता है कि हम नहीं मानेंगे, तो बोला क्या करोगे भैया नहीं मानोगे तो बोला कि रुको ना हम बताते हैं, एक मिनट तुम रुको तो सही हम बता रहे हैं, रुको ना। तो रुकने लगे, अब रुकने लगे तो किसको, आई किसको बुला लिया फटाक से, आई बुला लिया डोंट को, है ना, और यू भी किसको बुला लिया, डोंट को, बोले डजंट को बुला, तो बोला हिम नाम भी मत लेना मेरे सामने, मेरे सामने नाम भी मत लेना। अब जरा देखो तैयार हो क्या, तैयार हो क्या, तो चलो घूम के आते, तैयार हो तो ठीक है। देखिए शाहीन, नाम सुना आपने, स्पीक इंग्लिश, सबके लिए ऑप्शन कॉमन है, डोंट और डजंट, हम बार बार लिखेंगे नहीं, ऑप्शन दिया हुआ ऊपर, ठीक है उसी ऑप्शन से काम चलाइए, ठीक है। अब हम लिखते हैं शाहीन एंड हर फ्रेंड, हर फ्रेंड डॉट 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 स्पीक इंग्लिश, स्पीक, हाँ थोड़ा सा गलत लिखा गया है, थोड़ा सा स्पीक इंग्लिश, ठीक है। डोंट या डजंट सबके लिए एकदम कॉमन है, ठीक है। अभी और दे रहे हैं, यू एंड आई डॉट 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 लाइक करप्शन, करप्शन समझते हो ना, गलत काम, भ्रष्टाचार, राइट, है ना, करप्शन। अच्छा एक और हम बोल दें, she and you, ठीक है, dot 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 write Hindi, ठीक है। एक और दें, देते हैं के फकिंग है डॉट 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 कम हियर डेली, देख है ना, कम हियर डेली। चलिए अब आपको बताना है डोंट या डजंट किसमें क्या होगा जी, पहले वाले में डजंट, वाह वाह पहले वाला आंसर आ भी गया है, इधर आंसर आ भी गया है, ठीक है। सेकंड सेकंड में डोंट लगेगा, पहला में क्या लगेगा, फर्स्ट में बताइए, डजंट डजंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट में डजंट लगेगा, बिल्कुल सही जवाब है, सेकंड में बताइए डोंट लगेगा, वाह वाह क्या बात है, ठीक है। थर्ड में बताइए डोंट लगेगा, वाह वाह क्या बात है, फोर्थ में बताइए डोंट लगेगा पक्का, वाह 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 वाह, और फिफ्थ में बताइए, मतलब कि ये बात गारंटी हो गई कि आपको डोंट या डजंट में आने वाले टाइम में कभी कोई गलती नहीं होना है, राइट है कि रॉन्ग है, राइट है, कभी नहीं होगा। चलिए तो हम आगे बढ़ा देते हैं, टाइम बचा है कि टाइम खत्म हो गया, जा देख लो, पांच मिनट है ना, पांच मिनट में तो हम पहाड़ काट के उसका सीना से रास्ता निकाल देंगे, राइट है कि रॉन्ग, कैसे रॉन्ग है, पहाड़ कागज पे लिख के दो हम कैसे से काट देंगे, ऐसे मत बोलो, हम बोले ना कि हम दुनिया का कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, हाँ तुमको कितना बार बोले कि बेटी भतीजी मेरी है तो फिर लक्षण तो ऐसे करेगा, ठीक है।
चलो आगे बढ़ाए, चलो कितना नंबर, नहीं नंबर क्या है, अब जरा ले रहे इंटरोगेटिव सेंटेंस, नाम सुने हो, इंटरोगेट करती है पुलिस, इसी से क्या बना है इंटरोगेटिव सेंटेंस, है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या करेगा, सवाल पूछेगा, क्या करेगा सवाल पूछेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम पहले एक लिखते हैं, ठीक है, खड़े रहिए कशिश, क्या आप मम्मी से झगड़ा करती हैं, झूठ ठीक है, पापा से, तुम खड़े हो जाओ, क्या तुम अपने भाई को पीटते हो, बहन को पीटते हो, मतलब बोले में लाज लग रहा है, बड़ी बहन को नहीं मारते हैं, बैठ जाओ, तो आप जवाब दे सकते हैं यस या, इसी का दूसरा नाम इसीलिए क्या रख दिया गया, यस नो क्वेश्चन, वैसे सवाल जिनका आप जवाब कंप्लीटली सिर्फ यस बोल दीजिए तो भी हो जाएगा और सिर्फ नो बोल दीजिए तो भी हो जाएगा, बैठ जाइए, ठीक है। अब ऐसे सेंटेंसेस हिंदी में इस तरह से लिखे जाते हैं, क्या आप रोज, अच्छा पक्का, लो तुम्हारा वाला ही लिख देते हैं, क्या आप रोज होमवर्क करते हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं करते हैं सर, करना भी नहीं चाहते हैं सर। तो आप जरा देखिए कि ऐसे सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं और इनके जवाब आप या तो यस में दे सकते हैं या नो में दे सकते हैं। ऐसे सवालों को क्या कहा जाता है, यस नो क्वेश्चन कहा जाता है, क्लियर है। अब यस नो क्वेश्चन को अंग्रेजी में लिखना है तो स्टार्ट किससे होगा, डू या डज से। अच्छा यस नो क्वेश्चन नेगेटिव भी तो हो सकता है, क्या आप रोज होमवर्क नहीं करते हैं, ऐसा तो हो सकता है ना, क्या आप रोज होमवर्क नहीं करते हैं, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो जब आपका नेगेटिव हो जाएगा तब यहाँ पर डू की जगह क्या यूज कर देंगे, डोंट, या फिर डज की जगह क्या यूज कर देंगे, क्या हमको ये बताना पड़ेगा कि डू या डज या डोंट या डजंट किस किस सब्जेक्ट के साथ कैसे यूज होगा, नहीं बताना पड़ेगा। और उसके बाद क्या आएगा, अब डोंट या डजंट आ गया है तो इसका याराना V1 से है कि V5 से है, V5 से है V1 से ना है इसका याराना, V5 से तो दुश्मनी है इसका। और उसके बाद फिर क्या होगा बताइए, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट होगा जो भी है, लेकिन अंत में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। तो इसका ट्रांसलेशन आप क्या बनाएंगे बताइए, तो क्या होगा, अच्छा यहां पर आप है सब्जेक्ट के रूप में यू है तो अब बताओ डू होगा कि डज होगा, अच्छा डोंट नहीं हो सकता क्योंकि हम तो नहीं लिए थे, है ना, तो क्या होगा बोलो, डू यू डोंट, हाँ कंप्लीट योर होमवर्क, योर डेली होमवर्क डेली, डू यू कंप्लीट योर होमवर्क, अच्छा यहाँ कंप्लीट की जगह कुछ और लिखा जा सकता है, हाँ जरा सा रुकिएगा, हम यहाँ बोलना चाहते हैं कि यहाँ कंप्लीट के जगह आप चाहें, आपकी मर्जी है तो डू होमवर्क भी लिख सकते हैं, जितना कंप्लीट होमवर्क सही है, प्लीज म्यूट योर माइक, डू योर होमवर्क भी सही है, क्लियर है बात। तो बोले दो दो डू आ गया सर, तो ये वाला डू सर ऑक्सिलरी वर्ब है, राइट, और ये वाला डू जो है करना के सेंस में, होमवर्क करना तो करना के सेंस में ये क्या है, मेन वर्ब है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको, बस यही तो फैक्ट है, ठीक है। तो आज अभी जो हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पढ़ाई नहीं हुई है, अभी सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट से तारुफ हुआ है, परिचय हुआ है, इंट्रोडक्शन हुआ है। मेन पढ़ाई तो तब होगा जब ये पता चलेगा कि लाइफ का कौन कौन सा ऐसा सिचुएशन है जहां हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं और उसके आधार पे क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, ये होगा असली पढ़ाई। बोलिए कब होगा, मंडे को होगा ऑब्वियसली, अब तो टाइम रन आउट कर गया, तो ऑनलाइन के सारे बच्चों से एक बार पूछेंगे कि जो हमने पढ़ाया है वो क्लियर है कि नहीं आप लोगों को। सर आपने कहा यू एंड आई डोंट राइट हिंदी, अच्छा हेलो, हाँ जी हाँ जी सर, इसमें आई एंड यू क्यों नहीं हो सकता, ये आपने ऑर्डर ऐसे क्यों लिखा है, एक एक फॉर्मूला है आगे चल के हम पढ़ाएंगे, 3-2-1 का फॉर्मूला, ठीक है, कि इसमें तीसरा पहले होता है, दूसरा बाद में होता है और पहला जो हम है वो सबसे अंत में होंगे, ठीक है, 3-2-1 का फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। तो यू आई जब लिखते हैं, ठीक है, यू एंड आई जब हम लिखते हैं तो ये जो है दूसरा है
और ये पहला है। बोलिए सर हम कैसे पहचानेंगे कि कोई पहला है? तो फिक्स्ड है भाई कि आई और वी इसके खानदान से जो भी आएगा वो पहला होगा, यू के खानदान से जो भी आएगा दूसरा होगा, और बाकी दुनिया में जितना बचा वो तीसरा होगा। मेरी जान बात समझ में आई आपको? ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू जी। एकदम सिंपल सा है, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन वर्सन में जाना नहीं है। एक नंबर किसको देता है इंसान? हमेशा पहले अपने आप को रखता है, इसलिए एक नंबर में आई और वी है हम लोग, और दो नंबर में वही रहेगा जो हमारे सामने है। तो हमारे सामने यू है इसलिए सेकंड नंबर में रहेगा, और थर्ड नंबर में बाकी सारा जहां आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए यदि थर्ड नहीं है इसमें से तो क्या आएगा? सेकेंड आएगा, और तब क्या आएगा? फर्स्ट आएगा, इसीलिए यू एंड आई लिखा जाएगा। हाँ, ये सीरियल नंबर उलट जाता है, एक सिचुएशन ऐसा आता है जहां ये सीरियल नंबर उलट जाता है, है ना? जब हम लोग को मैनरफुल होना होता है, जब हम लोग को एटिक्वेट दिखाना पड़ता है, जब हम लोग को हम्बल होना है, तब कोई जैसे मान लिया कि कोई गलती हो गया, तो गलती में पहले अपने आप को ना दोषी दोगे, पहले किसको रिस्पॉन्सिबिल ठहराओगे? खुद को। तब वहां पर पहले क्या आ जाता है? फर्स्ट आ जाता है, और फिर किसको रिस्पॉन्सिबल? जो सामने है उसको, और जो नहीं है उसके बारे में गलत बोलना सबसे गंदा काम है, तो अब बोलना ही पड़ेगा तो सबसे लास्ट में बोलेंगे। तब वहां पर आकर के 1 2 3 का फॉर्मूला भी आ जाता है, तो वह सब हम आगे प्रोनाउन में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, जिन्होंने पूछा था वो अपना नाम बताएंगे क्या? सैफ खान। अच्छा, बीच में अली कहां चले गए? मजाक था। नहीं, सैफ अली खान होता तो हम बोलते करीना से मिलवा दीजिए एक बार। हम मजाक था। क्लियर हुआ मेरे भाई? यस सर। जी सर, जी सर, हो गया जी। नहीं, मेरी आदत है मजाक करने की, यदि आप लोग दिल पे ले लेंगे तो बड़ा दिमाग को आपके कष्ट पहुंचेगा, तो आप इधर से सुनिए उधर से मजाक को निकाल दीजिए। देखिए, दोनों कान दोनों साइड में है, बीच में दिमाग है। क्यों है ऐसा? कान जो है एक फिल्टर पेपर है, इधर से गया काम का बात फिल्टर होके रह जाना है, अब फालतू बात दूसरे साइड से निकल जाना है। बात समझ आ रही है? तो क्या आज के लिए इतना ही पे खत्म किया जाए क्लास को? हाँ ना, बोलिए ना। हेलो। हाँ सर। ओके सर, शुक्रिया, आज के लिए इतना ही पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है ना? थैंक यू सर। नहीं, कल नहीं, अब मंडे को मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। सेम टाइम सर? यस, सेम टाइम, 4:00। ओके सर, वेलकम। ओके।